हम बात करेंगे साथी शिक्षा का सलूशन। साथी शिक्षा का जो पेपर हुआ दोस्तों, आज का लास्ट पेपर था, उसका सलूशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी देखेंगे, सभी देखेंगे। सतत विकास के तीन आयाम तैयार किए गए हैं, कौन से? आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय। तीनों सही है दोस्तों, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, व्यक्तित्व के समाज के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है, कौन सा है? संवेगात्मक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक। तीनों सही है, यानी उपयुक्त सही चौथा सही हो जाएगा। तीसरा भी देख लेंगे दोस्तों, चौथा प्ले देख लें। चौथा कह रहा है कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है, देखिए मूल सिद्धांत नहीं है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में क्या, स्वतंत्रता सबको मिलता है, समानता सबको मिलता है, बंधुत्व सबको मिलता है, विशेष नहीं मिलता है, ठीक दोस्तों। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, सतत विकास के आवश्यक है, क्या आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण रखना, ठीक दोस्तों सही है। आर्थिक स्थिति नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे आपका तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा था, राष्ट्रीयता है क्या है? देश के मुक्ति पुराना प्रत्यय नहीं, देश के भक्ति का नया प्रत्यय नहीं, देशभक्ति के समान प्रत्यय, बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं लघुत्तरी पर, जल्दी जल्दी कर लेंगे, टाइम बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। नैतिकता क्या है? नैतिकता सबको पता होगा दोस्तों कि जो मानव के समाज सही गलत का जो निर्धारण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। आठवां देख लेंगे, अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग कहते हैं जो मन और प्राण को क्या करें, शुद्धि प्राप्त करता है, उसी कहते हैं। या फिर जैसे परमात्मा को प्राप्ति के लिए हम लोग जो योग करते हैं, उसे भी हम लोग अष्टांग योग कहते हैं। ये आठ प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप लोग को याद होगा, यम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, इस प्रकार से आठ होते हैं, ध्यान भी होते हैं, ठीक है। आठवां देखेंगे, पुरुषार्थ है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, वस्तुष्ठ का क्या अर्थ है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ मतलब क्या होता है कि जो भारतीय संस्कृति को क्या करें, आनंद तरीके से, यानी हैप्पी मतलब खुश होकर अपने सामना करें उसका, उसी को हम क्या कहेंगे, पुरुषार्थ कहेंगे। जैसे धर्म का हो गया, अर्थ, काम, मोक्ष जो प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे पुरुषार्थ वस्तुष्ठ कहते हैं। नवा क्या है, साइबर बुलिंग क्या होता है? सबको पता है साइबर बुलिंग, जो इंटरनेट पर आप लोग देखते हो किसी का आपत्तिजनक फोटो हो गया, या फिर इंटरनेट पर आप लोग का, जैसे आप लोग का हैकिंग हो गया, जैसे आप लोग का मोबाइल नंबर हैक कर लिया गया, अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया, वो सब साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। आप बना के लिखेंगे तब भी सही है। दसवां कह रहा है, तनाव प्रबंध कौशल का क्या अभिप्राय है, क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए कि किसी चीज़ एग्जाम को लेकर प्रेरित हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को बना कर आपको लिखना था कि उसी में तनाव के मतलब प्रबंध, मतलब तनाव हो गया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उसी को जो समाधान होता है उसी को तनाव प्रबंध कौशल कहते हैं। जो समाधान मान लीजिए हम सोचें ना ज़्यादा, अपने स्टडी करें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, उसी को कहेंगे, ठीक है, बना के लिख लिया हमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता तभी होती है जैसे मान लीजिए सांप्रदायिक धर्म के नाम पर क्या होते हैं, दंगे हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए कहीं कहीं गुलामी करना पड़ता है दोस्तों, उसको रोकने के लिए ये सब कारण होते हैं राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ही तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।